हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू Q&A पार्ट 3। आज मैं 10 कमेंट को लिया हूँ, उसका बेस्ट रिप्लाई करूँगा। सबसे फर्स्ट कमेंट है, भैया MIT मणिपाल कोर ब्रांच और MUJ जयपुर CSE एंड रिलेटेड ब्रांच। देखो भूले भटके हो, क्लास 10 क्लास 12 पास आउट हो गए हो, जस्ट सबको इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम भी करना चाह रहे हो तो ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर इंटरेस्ट है किसी स्पेशली ब्रांच में तब उस ब्रांच के पास जाओ, अदरवाइज अगर ये देख रहे हो कि मैं क्लास 10 पास कर गया और 12 पास कर गया, सबको बीटेक कर रहा है, मैं भी करूंगा, तो अच्छा प्लेसमेंट तुम्हारा CSE और IT ब्रांच का ही है प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। मैं बोलूंगा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज मत करो, MUJ का CSE ले लो। सेकेंड ऑप्शन है CS एंड IT में डिफरेंस इन MUJ। देखो डिफरेंस तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर तुम सभी का कमेंट रहा ना तो मैं ट्राई करूंगा सिलेबस क्या होता है CS IT का, CS AIML का, मैं ट्राई करूंगा सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बना, तो ये डिफरेंस होता है CS और IT में। अगर लगभग 10 से 12 बच्चे कमेंट रहा तो मैं इसे अच्छे से वीडियो में कवर कर दूंगा, क्या क्या डिफरेंस होता है सारे ब्रांच का, CS IT CC AIML डेटा साइंस का क्या क्या सिलेबस है, वो सब मैं डिस्कशन कर दूंगा अगर कमेंट रहा तुम सभी का। तो नेक्स्ट कमेंट है, मैकेनिकल सिविल मणिपाल में फर्स्ट ईयर CC ब्रांच चेंज हो सकता है। देखो इसका रिप्लाई मैं बार बार कर रहा हूँ, हमेशा से एक बात बोल रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है। अगर बच्चे उस ब्रांच से निकलते हैं, अगर सीट खाली होता है तभी मिलता है, साथ ही साथ अच्छा CGPA मेंटेन करना पड़ता है, 9.2-9.3 से ऊपर ही रहना पड़ेगा। मैं बोलूँगा इसलिए मत लो कि तुम मैकेनिकल सिविल से तुम इसी करवा लोगे, अगर इंटरेस्ट इस ब्रांच में है तभी जाओ, अदरवाइज कोई और कॉलेज को तुम देख लो, ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When can I apply for AICT TWF scholarship? Love your video. Thank you so much, brother. I never break your trust. Please support me in my journey. Can I direct sit in third round then apply? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो अगर तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो ना, फिर भी तुम AICTC स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो मणिपाल का, बट सेफर साइड के लिए अप्लाई कर दो कि थर्ड राउंड में कोई इशू नहीं है तुम्हारा। मुझे अगर मेंशन कर देना रैंक क्या है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल आई गेट CS IT CCE फिनटेक बाय द राउंड 1? डेफिनेटली यू विल गेट, 2K तक मिल ही जाएगा, CC तक तो कन्फर्म हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया माई इंटरेस्ट इन एरोनॉटिकल, शुड आई ऑप्ट इट इन मणिपाल, माई रैंक? हाँ अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जाओ, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं CS IT बोलता हूँ, CS IT में अच्छे अच्छे कंपनियाँ हैं जो कि मोस्टली सारे कॉलेज को विजिट कर रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज का जो टाइम है फिनटेक में तुम्हारा कन्वर्ट हो चुका है, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, इसी कारण से ये ब्रांच बूम कर रहा है। अगर इंटरेस्ट है तुम्हारा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, हायर स्टडी करना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो प्लीज कैन यू गिव मी अपडेट इंटरव्यू ऑन द बैंगलोर कैंपस स्टूडेंट टू नो द करेंट सिचुएशन, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द एफर्ट योर लाइफ, थैंक यू सो मच ब्रदर। मतलब तुम सभी का ना ये पॉजिटिव कमेंट ही मुझे रियली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा फ्यूचर में, कभी भी मेरा नीड होगा एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, रेडी टू हेल्प यू। देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, मैं तो अब इंटरव्यू वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मैं एक पॉडकास्ट शूट कर सकता हूं, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में, चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा बेस्ट, जितने भी पॉइंट चाहिए होगा, जो भी जानना चाहते हो बैंगलोर कैंपस के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे कवर कर दूंगा। शुड आई प्रीफर ECE मणिपाल और CSE और ये स्पेशलाइजेशन बैंगलोर कैंपस? देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर ECE मणिपाल मेन कैंपस को लोगे ना वो भी सही ऑप्शन है तुम्हारे लिए, बट ट्राई करना फर्स्ट ईयर में अच्छा CGPA मेंटेन करने का। CSE अगर नहीं भी मिलता है ना, CSE स्पेशलाइजेशन तुम कन्वर्ट करवा सकते हो, ECE से स्पेशलाइजेशन तक कन्वर्ट करना थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू सिविल मैकेनिकल सबसे। हाँ तुम ECE मणिपाल मेन कैंपस में ले सकते हो अगर इंटरेस्ट है तभी। क्या मणिपाल बैंगलोर में ECE लेना चाहिए? देखो इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कैसे करूं, मुझे ये बताओ अपार्ट फ्रॉम मणिपाल तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है, मैं कंपेयर करूंगा उसके बेसिस से बता दूंगा हाँ ECE लेना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम ड्रॉप ले चुके हो, तुम्हारे लास्ट ऑप्शन मणिपाल बैंगलोर ही है, तो ECE लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी कारण से थोड़ा सोच लो और मेरे को बताओ अपार्ट फ्रॉम मणिपाल बैंगलोर कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या रैंक है, तो मैं ट्राई करूंगा उसके बेसिस पे बताने का, हाँ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल इन मणिपाल मेन कैंपस और ECE इन MUJ? देखो इसका मैं रिप्लाई क्या करूँ, देख इंटरेस्ट है तुम्हारा एरोनॉटिकल में इंडस्ट्रियल में तब ले लो, अदरवाइज ECE MUJ में लोगे, ये लोअर ब्रांच। देखो MUJ में मैं हमेशा से एक ही रिकमेंडेड कर रहा हूँ,
CSIT स्पेशलाइजेशन तक मिल रहा है तब ले सकते हो। ईसी तक भी तुम कंसीडर कर सकते हो, बट टफ हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ तुम्हारा अपना कोडिंग वोडिंग को थोड़ा सा दोनों सब्जेक्ट को मैनेज करना। बट इंटरेस्ट है तो तुम जाओ एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल के लिए, और इसी के लिए तुम मणिपाल जयपुर ले सकते हो। बट बेस्ट आउटकम नहीं मिलेगा तुझे ना ही ईसी से ना ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। इसी कारण से कैंपस को प्रायोरिटी दो, जिसमें इंटरेस्ट है उस ब्रांच को तुम ले लो। शायद मैं यहाँ पे 10 कमेंट को कवर कर दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा 10 कमेंट को कवर करने का। उस तरह का कमेंट पूछो मेरे से जिससे कि मैक्सिमम बच्चे का हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं अपना भी टाइम दे रहा हूँ, तुम भी अपना टाइम दे रहे हो, तो एक टाइम होता है ना वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट होना चाहिए वो टाइम को। ऐसा कमेंट हो जिससे बच्चे का हेल्प हो सके जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग कॉलेज के बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा पॉडकास्ट शूट करके डाल देने का सबके साथ, एक उससे हेल्प हो जाएगा कॉलेज के रिगार्डिंग। देखो इंटरनेट पे जो क्वेरा पे रहते हैं वो सब अलग रहते हैं, और मैं जो बनाऊंगा वो ऑनेस्ट रहेगा तुम्हारा, उससे एक हेल्प तुम्हारा हो जाएगा। बस मैं ट्राई करूंगा अच्छे अच्छे कमेंट जो रहेंगे मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। थैंक यू।